Yeah, shit. Where is? Oh my God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। आज हमारी किचन में ये कोई बड़ी मशकूक सी आपको रेसिपी लग रही है कि ये क्या रेसिपी है। यह जनाब इफ्तार की रेसिपी जो कि बहुत मज़े की होती है, जायके में रेसिपी बनाते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग सारा आपको लगता है माहौल और बहुत मज़े की है, आसान भी है। तो बगैर टाइम जाए के मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो पीपल, सबसे पहले मैंने हाफ के जी आलू ले लिए हैं। इनको आप जनाब फ्राइज जिस तरह से बनाए जाते हैं उस शेप में काट लीजिए, ठीक है जी। जी अब इसको अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं इसको धोने जा रही हूँ, आप लोग यहीं पे रहें। अच्छा जी, स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून जाएगी चिली फ्लेक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1/2 टीस्पून जाएगा जिंजर पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। 2 अदद हमें चाहिए होंगे अंडे। ओहो, सो पीपल, इसके साथ हमें चाहिए होगी 1/3 टीस्पून, आप कर लीजिए, ये वाइट पेपर है, खुल जा सिम सिम, ये खुल गया। तो चलिए जी, इसको भी स्प्रिंकल कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब जनाब इसमें शामिल कर लेते हैं अंडे। एक अंडा तोड़ा आपने और इसको इसमें शामिल कर लिया, और दूसरा अंडा भी शामिल कर लिया। ये थोड़ा सा ब्लूपर हो गया था, ये आप वीडियो के एंड पे आप देख लीजिएगा। चलिए जी, इसको कर लेते हैं मिक्स, स्पैचुला की मदद से, हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 1 कप हमने मैदा शामिल कर लिया इसमें, इससे ये क्रिस्पी बन जाएगा। जी अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब हाथों का इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए, बड़ा मम्मी डैडी बन गए हम। हाथों से देसी तरीके से आप मिक्स करिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब आपने लेना है एक पैन, उसमें मीडियम फ्लेम में ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लीजिए आप, और एक एक करके आप डालेंगे। अगर आप इसको इकट्ठा डालेंगे तो ये देखिए मोटरसाइकिल वाले ने काम ख़राब कर दिया, चलिए छोड़ इस बात को। इकट्ठा डालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, एक एक करके डालिएगा। और बिल्कुल डालते साथ आपने इसको नहीं हिलाना, 1 मिनट होने के बाद मैं इसको हिला रही हूँ, वरना इसका ऊपर से सारा बैटर जो है वो उतर जाएगा। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ज़बरदस्त सा इफ्तार स्नैक बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ये 10-20-30 रुपये में बन जाएंगे। मज़ा इस कदर ज़बरदस्त है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है। इस रेसिपी को अपनी खाला मुझे चीना दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब इसमें अंडा शामिल कर देते हैं। या शिट, वेयर इज, ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। चलिए जी, देखिए कितनी जबरदस्त देखने में ही लग रहा है ये।